हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई एम अवधेश, योर मैथ टीचर, एंड टुडे आई वेलकम यू टू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल अवधेश कुमार कामत। गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो आपने ड्यू के लिए असाइनमेंट तैयार किया है उसको स्कैन करने के बाद, पीडीएफ डॉक्यूमेंट तैयार करने के बाद हम उसको अपलोड कैसे करेंगे ड्यू एस ओ एल के वेबसाइट पर। तो आइए जानते हैं कि इस प्रोसेस को हम कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए आप किसी भी ब्राउज़र के थ्रू, जैसे गूगल या क्रोम है, तो उसके थ्रू मैंने गूगल से किया और जैसे मैं ड्यू एस ओ एल देख रहे हो आप, मैंने डाला हुआ है। तो इसके बाद आपको क्या करना है बच्चों, आप इसके वेबसाइट पर जाओगे और आपको कुछ इस तरीके से मोबाइल में वर्ज़न दिखाई देगा। अगर आप चाहो तो इसको डेस्कटॉप वर्ज़न पर बेटा कर सकते हो। डेस्कटॉप वर्ज़न पर कुछ आपको ऐसा दिखाई दे रहा है, आप देख पा रहे हो। इसके बाद बच्चों आपको क्या करना है, एस ओ एल असाइनमेंट बेस्ड इवेल्यूशन पे जाना है, क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक आप करोगे तो स्टूडेंट लॉगिन पूछेगा आपसे। तो इसके लिए बेटा आपको अपने एस ओ एल रोल नंबर और बार कोड को यहाँ पर डालना होगा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया कुछ इस तरीके का, रोल नंबर होता है, तो मैं रोल नंबर डाल रहा हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। तो बच्चों आपको लॉगिन पूछा, और लॉगिन में क्या क्या पूछा आपको स्टूडेंट, एस ओ एल रोल नंबर और आपका बार कोड। जैसे ही आप वो पुट करोगे तो आपका लॉगिन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको जैसे दिया हुआ है डेज, इतने आवर्स आपके पास रिमेन्स है, तो बच्चों इसको भी ध्यान रखना है आपको। ये पार्ट वन का है हमारे पास, हम आ जाते हैं पार्ट टू पे, बिकॉज हम जो वीडियो में बात कर रहे हो पार्ट टू के बात कर रहे हैं। बेटा आपके पास सब्जेक्ट दिए हैं आपके, बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टेट्स दिया है, कंपनी एंड कॉम्पेंशन लॉ है हमारे पास, उसके बाद आपके पास कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है। तो ये सारे सब्जेक्ट हैं आपके पास। तो अगर मैं बात कर लूँ बेटा बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टेट्स का एग्जांपल देना है आपको, तो पहले आपको बेटा सेलेक्ट करना है यहाँ पर मीडियम। आप देख पा रहे हो मीडियम दिया हुआ है, इंग्लिश, हिंदी एंड अदर। तो आपने किसी भी लैंग्वेज में पेपर किया तो आपने बेटा यहाँ पर आपको क्या करना है, आपका वो मीडियम हमारे पास जो है वो सेलेक्ट कर लेना है, इंग्लिश, हिंदी, अदर। अदर के लिए बेटा और कोई लैंग्वेज जो आपने चूज़ की होगी या आपने उसमें लिखा होगा, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं बच्चों ड्यू में। तो नाउ अब आपको क्या करना है, चूज़ फाइल करनी है। बच्चों यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे हो कि मैक्सिमम साइज़ जो है वो 10 MB का होना चाहिए। तो बेटा अगर आपका PDF का साइज़, फाइल का साइज़ 10 MB से ज़्यादा है, तो बेटा उसको PDF कंप्रेसर बहुत सारे प्ले स्टोर पर अवेलेबल हैं, उससे क्या कर सकते हो बच्चों, आप अपने फाइल को कंप्रेस कर सकते हो 10 MB से कम का। नाउ आप फाइल चूज़ करोगे, फाइल चूज़ करके बेटा आप अपलोड का ऑप्शन क्या करोगे, क्लिक करोगे, और इस तरीके से बच्चों आप जो है अपने फाइल को, अपने असाइनमेंट को बेटा अपलोड कर सकते हो ड्यू एस ओ एल के असाइनमेंट इवोल्यूशन 2020 के ऊपर। गाइस, जब भी आप अपने फाइल को अपलोड कर रहे हो तो उस टाइम ये जरूर देखना है कि जो आप फाइल अपलोड कर रहे हो क्या वो उसी सब्जेक्ट का है, उसे 2, 3, 4, 5 बार चेक कर लेना, वरना यहाँ पर गलत होने पे दिक्कत हो जाएगी बच्चों आप लोग। तो प्लीज़ ये इंश्योर कर लेना कि जो फाइल आप अपलोड कर रहे हो वो सेम सब्जेक्ट का है जिसका आप करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका फुल प्रोसेस है बच्चों, और आई होप बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप जब भी आप अपना असाइनमेंट कर लो कंप्लीट, लगता है कि आप तो स्कैन करके PDF फॉर्मेट में बना के बिलो 10 MB का फाइल बना के बेटा आप इस तरीके से अपलोड कर सकते हो। तो आई होप बहुत अच्छे से वीडियो समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट अगर रह गए आपको बच्चों, तो आप क्या करोगे बिल्कुल कमेंट में लिख सकते हो। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, और अब मैं इसको लॉग आउट कर देता हूँ, ठीक है। और लॉग आउट करने के बाद आपको बेटा दोबारा से इस तरीके आ सकता है। बाद में मैं बता दूं बेटा, जाते जाते एस ओ एल बार को डालने पे ऐड नंबर डालना है, तो उसका क्या यूज़ है, ये बस आपको बस एक परमिशन, एक मतलब एक सिक्योरिटी टाइप है कि 10+9 क्या कोई भी ओपन कर सकता है इससे, तो 10+9 19 हो जाएगा, और यहाँ पे आप करके इसे लॉग इन कर सकते हो दोबारा से। तो बेटा ये आपके लिए मैंने वीडियो बनाई है, प्लीज़ इसे अपने दोस्तों तक पहुँचाएं, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं अपडेट आपको देता रहूँ आपके सॉल्यूशन के लिए। थैंक यू।